नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कंप्यूटर सीरीज के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्यूटर वायरस के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कि ये कंप्यूटर वायरस है, इसी के बारे में आगे हम लोग को डील करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर वायरस होता क्या है। कंप्यूटर वायरस के बारे में बात करें, यह एक छोटा सा द्वेषपूर्ण प्रोग्राम होता है जो उपयोगी प्रोग्राम के साथ जुड़ करके किसी अन्य यूजर के पास पहुंचता है और उसके कंप्यूटर के सारे मेमोरी को घेरने का काम करता है और उसके पर्सनल डेटा को ये डिस्टर्ब करने का भी काम करता है। साथ ही साथ देखोगे तो ये डेटा को मिटाने का और उसको करप्ट करने का भी काम करता है। साथ ही आप देखोगे तो ये हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में प्रवेश कर जाता है और डिस्क की क्षमता को कम करने का काम करता है और उसके स्पीड को भी ये डिस्टर्ब करने का काम करता है। और आप कंप्यूटर वायरस के ये देखोगे तो ये वायरस ऐसा वायरस होता है, ये तब तक आपका एक्टिवेट नहीं होता जब ये किसी प्रोग्राम से जुड़े है और उस प्रोग्राम को जब तक आप कहीं पर चलाते नहीं हो तब तक ये वायरस आपका एक्टिवेट नहीं होगा, याद रखिएगा। आगे देखें तो हम लोग कंप्यूटर वायरस को मुख्यतः तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रोग्राम वायरस, दूसरा होता है बूट सेक्टर वायरस और तीसरा होता है मल्टीपार्टाइट वायरस। प्रोग्राम वायरस आपका देखोगे तो जितने भी आपके फाइल वर्क है उसको ये क्या करता है, फाइल वर्क को ये क्या करता है, प्रभावित करने का काम करता है। साथ ही साथ बूट सेक्टर वायरस देखोगे तो जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड मतलब आपका रिकॉर्ड है, टेबल है, ये टेबल ये सब को प्रभावित करने का काम करता है। साथ ही साथ तीसरे पार्ट में जाएं तो हम लोग मल्टीपार्टाइट वायरस देखें। नाम से भी याद रखिएगा, मल्टीपार्टाइट मतलब बहुत सारे पार्ट में ये आपका क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो इसका यूज देखोगे तो जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, तभी ये मल्टीपार्टाइट वायरस एक्टिवेट होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब हमको जानना है कि वायरस और एक होता है मालवेयर, तो मालवेयर और वायरस में क्या अंतर है। वायरस और मालवेयर देखेंगे तो जितने भी वायरस है वो सब मालवेयर के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। जितने भी वायरस है सब मालवेयर के पार्ट कहलाएंगे, मालवेयर कहलाएंगे, लेकिन सब मालवेयर वायरस नहीं कहलाते, ये भी आपको जानना है। ठीक है, सब मालवेयर वायरस नहीं कहलाते। तो हम लोग इसी अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे कि मालवेयर होता क्या है। तो मालवेयर आप देखोगे तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी को नुकसान देने के उद्देश्य से बनाया गया है, याद रखिएगा, किसी को नुकसान के उद्देश्य से बनाया गया सॉफ्टवेयर आपका क्या कहलाएगा, मालवेयर सॉफ्टवेयर कहलाएगा। और ये मालवेयर सॉफ्टवेयर देखोगे तो इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं सभी क्या वायरस, सभी वायरस इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा वाम वायरस, ट्रोजन हार्स आपका स्पाईवेयर, की लॉगर, ये सब वायरस आपके मालवेयर वायरस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इन्हीं वायरसों को हम लोग एक एक करके अभी देखेंगे, ठीक, याद रखिएगा। अब देखते हैं वाम वायरस, इसी के अंतर्गत वाम वायरस। वाम वायरस देखोगे तो ये वायरस ऐसा वायरस है जो अपना स्वयं का कॉपी बनाएगा, स्वयं का ये क्या बनाएगा, कॉपी बनाएगा, और स्वयं का कॉपी बना करके ये यूजर के कंप्यूटर में पहुंचता है और उसके मेमोरी को घेरने का काम करता है। मेमोरी घेरने का ये काम करेगा और मेमोरी को इतना ज्यादा अपना कॉपी बना करके घेर देता है कि इसको ये क्रैश भी कर सकता है, याद रखिएगा। ये होता है वाम वायरस, याद रखिएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, इसके उदाहरण में आई लव वायरस का नाम है, बेंगल, निम्डा, ये सब किसके प्रकार है, वाम वायरस के प्रकार है, इसको आपको जानना है। देखिए ये यहां पर ये है, अपनी कॉपी सब में बनाते जा रहा है और मेमोरी घेर करके उसको क्रैश करने का काम कर रहा है, उसको डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। इसके एग्जाम्पल देखोगे तो आयला, बेंगल, निम्डा, ये सब ये कैसे फैलता है, तो ये आपका
नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, नेटवर्क, इंटरनेट, इंटरनेट इसके थ्रू आपका देखोगे तो ये फैलते जाता है ये वायरस। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स के बारे में बात करें तो ये किसी उपयोगी प्रोग्राम के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, अपने आप को अटैच कर लेता है और यूजर के कंप्यूटर में जाकर के ये फैल जाता है। जैसे ही इससे जुड़े प्रोग्राम को हम लोग चलाते हैं तो वहां पर ये अपना उसको उसके डेटा को क्या करेगा, डिस्टर्ब करने का काम करता है, डेटा को डिस्टर्ब करता है। कि जैसे आप समझोगे, मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर हम लोग एमएस एक्सेल पर आपका ट्रोजन हॉर्स वायरस एक्टिवेट है, हम लोग एमएस एक्सेल चलाएंगे तो एमएस एक्सेल नहीं चलेगा, ये ट्रोजन हॉर्स वाला ये कुछ और आपका वहां पर प्रोग्राम या फाइल को ओपन कर देता है। इस तरीके से ये डिस्टर्ब करने का काम करता है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये हैंग भी करता है। याद रखिएगा, ये ट्रोजन हॉर्स आपके वायरस के एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें तो उदाहरण में आ जाता है बिस्ट, ठीक है, बिस्ट, जीएस, ठीक है, रूट किट, रूट किट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ये ट्रोजन हॉर्स आपके वायरस के एग्जाम्पल्स में इसको देखते हैं, ठीक है, ये आपका ट्रोजन हॉर्स हो गया, देखिए समझिए। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग स्केयरवेयर। स्केयरवेयर देखोगे तो एक सिंपल प्रोग्राम वायरस है, ये सिंपल प्रोग्राम वायरस है, ठीक है, ये प्रोग्राम वायरस होता है। ये क्या करता है, ये दूसरे आपके सॉफ्टवेयर या फाइल के साथ जुड़ करके, ठीक है, फाइल के साथ जुड़ करके ये कहीं पर एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होकर के वहां के डेटा को डिस्टर्ब करने का काम करता है, आपका उस डेटा को करप्ट करने का काम स्केयरवेयर का है। एक होता है टाइम बम वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम बम वायरस, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये वायरस, ये टाइम, मतलब इसमें कोई तारीख या समय फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, कोई भी आपके प्रोग्राम है उसमें तारीख और क्या समय ये दोनों फिक्स कर दिया जाएगा। जैसे उस प्रोग्राम को आप एक्टिवेट करोगे, आप एक्टिवेट करोगे तो ये जिस तारीख और समय को आपका फिक्स है उस तारीख और समय में ये वायरस अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और उस डेटा और उस प्रोग्राम को ये करप्ट करने का काम करता है। ये टाइम बम आपका क्या कहलाता है, वायरस कहलाता है। इसी को हम लोग टाइम बम वायरस को ही हम लोग क्या एक और नाम से जानते हैं, लॉजिक वायरस, ठीक है, लॉजिक वायरस, ठीक है, लॉजिक वायरस। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका एंटीवायरस। एंटीवायरस के बारे में बात करें तो यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बार बार इसीलिए बोलता हूं ताकि आपको याद हो, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। आप इस एंटीवायरस को जैसे ही आप चलाते हो, ठीक है, एंटीवायरस को जैसे ही चलाते हो तो ये जितने भी आपके कंप्यूटर में वायरस है उसको पहचान लेता है और पहचान करके आपको क्या करेगा, सूचित करता है, सूचित करके ये क्या करेगा, आपकी कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से कंप्यूटर वायरस से बचाने का काम एंटीवायरस कहलाता है, ठीक है, वायरस से बचाना एंटीवायरस, ये आपका एंटीवायरस, याद रखिएगा यह एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस के अंतर्गत देखें तो हम लोग अलग अलग एंटीवायरस को हम लोग देखते हैं, इसी में कुछ आपके फेमस एंटीवायरस उसको यहां पर मैं लिख दिया हूं, साथ ही साथ बहुत सारे एंटीवायरस है, सबको आपको गूगल में सर्च कर करके पढ़ना है, यहां पर उसके भी एक लिस्ट को यहां पर दिखाया हूं इमेज के रूप में, जिसमें एवीजी, कास्पर स्काई, नॉर्टन, आपके ट्रेंड, पांडा, मैकेफी, आपके जितने भी है, ठीक है, बिट डिपेंडर, ये सब आपके क्या है, क्विक हील, ये सब एंटीवायरस के नाम है। पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस है या कौन सा नहीं है, इस तरीके से यहां से क्वेश्चन आता है आपके व्यापम में। आप कंप्यूटर वायरस से एक क्वेश्चन कंफर्म रूप से पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म है, ठीक। अब इसी से संबंधित हम लोग क्या देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे।
तो एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मालवेयर है, मालवेयर पूछ रहा है। तो मैं बताया कि मालवेयर सभी वायरस होते हैं, जितने भी वायरस हैं वो मालवेयर में आते हैं। वाम वायरस है, ये भी आपका मालवेयर में आता है। ट्रोजन हार्स है, ये भी आपके मालवेयर में आता है। आपका स्पाईवेयर है, ये भी आपके मालवेयर में आते हैं। की लॉगर है, ये भी आपके मालवेयर में आते हैं। इस तरीके से सब क्या है, आपका मालवेयर है। तो वायरस होगा, वाम्स होगा, ट्रोजन हार्स होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 2, आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। ठीक है, एडवेयर, मालवेयर, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, हम लोग क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं, इसी को हम लोग मालवेयर कहते हैं। याद रखिएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर कंप्यूटर में अंदर जाता है तथा इंटरनेट उपयोग डेटा और संवेदनशील डेटा की चोरी करता है। तो इसके बारे में मैं कल बताया था, स्पाईवेयर जो मालवेयर का एक टाइप है, और ये स्पाईवेयर क्या करता है, तो ये निगरानी रखने वाला एक सॉफ्टवेयर है। याद रखिएगा, निगरानी रखने वाला सॉफ्टवेयर है, जासूसी करता है, और जासूसी के थ्रू ये क्या करेगा, जासूसी के थ्रू ये क्या करेगा, तो डेटा की चोरी करता है। याद रखना है, डेटा चोरी करता है जासूसी के थ्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाईवेयर। हालांकि इस क्वेश्चन, इस आपके स्पाईवेयर के बारे में आज मैं चर्चा नहीं किया हूं, कल के आपके जो कंप्यूटर लेक्चर है उसमें आपका चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका 4th नंबर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, बार बार पूछा गया, पांडा, नॉर्टन, मैकेफी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसी को मैं यहां पर बताया हूं, पांडा है, ठीक है, मैकेफी है, नॉर्टन है, तो तीनों तो है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ आया, तो यहां से क्वेश्चन पक्का है भाई। ठीक है, इसी तरीके से और नए नए कंटेंट और कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को आपका डील होगा, आगे जुड़े रहे हमसे। ठीक है, थैंक यू।